आप देख रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की पार्ट फाइव की फोर्थ वीडियो। इससे पहले मैंने थ्री वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसकी। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। शोर हो सकता है जल और वायु प्रदूषण जितना हानिकारक न लगे, पर यह भी प्रदूषण की एक समस्या तो है जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास लाती है। शोर अवशिष्ट ध्वनि होती है, हर ध्वनि शोर नहीं होती। जो ध्वनि एक व्यक्ति को संगीत लगती है वे किसी दूसरे व्यक्ति को शोर से लग सकती है। अधिकांश दूसरे प्रदूषक की तरह ये कोई पदार्थ नहीं होती कि पर्यावरण में जमा हो जाए। ध्वनि को डेसिबल की इकाई में मापते हैं। शोर के कई स्रोत होते हैं जो घर के अंदर और बाहर ध्वनि पैदा करते हैं। कारखानों वाहनों से तथा त्योहारों के दिनों में लाउडस्पीकरों के बजने से उठने वाला शोर से बाहर ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जबकि रेडियो और म्यूजिक सिस्टम ऊंची आवाज़ में बजने पर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से घर के अंदर ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि और शोर के बीच अंतर प्रायः मनोगत और निजी राय पर आधारित होते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के ऊँचे स्तरों के कुछ बहुत हानिकारक प्रभाव आवश्यक होते हैं। इनके प्रभावों की तीव्रता बेहद उलझन पैदा करने वाले से लेकर बेहद कष्टदायक और घातक भी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य। अत्यधिक शोर का सबसे प्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव कानों पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव? हमारे कानों पर पड़ता है, क्योंकि हमें ज़्यादा आवाज़ सुनने से हमारे कानों पर इफेक्ट पड़ता है। और श्रवण शक्ति स्थायी या अस्थायी रूप अत्यधिक स्थायी रूप से प्रभावित होती है। स्थायी श्रवण शक्ति की कमी को अक्सर स्थायी अवसीमा परिवर्तन कहते हैं। इसके ग्रस्त व्यक्ति मामूली ध्वनियों को नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ माह बाद श्रवण शक्ति आमतौर पर वापस आ जाती है। महाराष्ट्र में जहां गणपति पूजा के दौरान 10 दिनों तक कान पार संगीत चलता रहता है, गणेश मंडपों के पास रहने वाले व्यक्ति अक्सर इस प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाते हैं। स्थायी बहरापन से जिसे शोरजन्य स्थायी अवसीमा परिवर्तन कहते हैं, श्रवण शक्ति को ऐसी हानि है कि वे परिवर्तन ठीक नहीं हो सकती। 80 डेसिबल से कम की ध्वनियों से बहरापन कतई नहीं आता, लेकिन 80 से 130 डेसिबल की ध्वनियों के स्थायी प्रभाव देखे गए हैं। कम काम के दौरान 95 डेसिबल की ध्वनि संपर्क में आने वाले लगभग 50% व्यक्ति स्थायी बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। हम ज़्यादा जहाँ भी आवाज़ सुनते हैं उससे हमारे कानों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और अगर हम वहीं रहने लगे तो हमारे बहरा होने की संभावना होती है। और 105 डेसिबल से अधिक ध्वनियाँ सुनने वाले कुछ सीमा तक स्थायी बहरेपन से ग्रस्त होते हैं। 150 या इससे अधिक की ध्वनि मनुष्य के कानों के पर्दे फाड़ सकती है। बहरेपन की सीमा शोर की अवधि और तीव्रता पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए 100 डेसिबल की ध्वनि एक घंटे सुननी पड़े तो स्थायी हानि हो सकती है जो एक दिन जारी रहेगी, लेकिन शोर करने वाली मशीनों वाले कारखानों में मजदूरों को प्रतिदिन भारी शोर सुनना पड़ता है। जब मजदूर वहाँ काम करते हैं तो उनको वो शोर सुनना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहरे हो जाते हैं ज़्यादातर मजदूर। 95 डेसिबल की ध्वनि यदि 8 घंटे प्रतिदिन 10 वर्षों तक सुननी पड़े तो लगभग 15 डेसिबल वाली स्थायी हानि हो सकती है। बहरापन पैदा करने वाले के अलावा ध्वनि के ऊंचे स्तर रक्तचाप बढ़ाकर और नाड़ी की गति बदलकर रक्त के परिचालन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ सकते। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य। शोर के कारण चिड़चिंता और तनाव जैसे भावात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होते हैं। ध्यान केंद्रित करने की असमर्थता और मानसिक थकान शोर के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव हैं। हमें थकान होने लगती है। ऐसा देखा गया है कि जो विद्यालय नगर के व्यस्त क्षेत्रों में स्थित हैं और ध्वनि प्रदूषण से त्रस्त हैं, उनके बच्चों को की बोध की क्षमता कम होती है। शोर चूंकि सामान्य श्रवण में बाधा डालता है, इसलिए वे चेतावनी के संकेत सुनने नहीं देता और दुर्घटना की दर बढ़ाता है। खासकर कारखानों में इससे मजदूरों की कार्य क्षमता और उत्पादकता भी कम होती है तथा कार्यस्थलों पर दुर्घटना की दरें बढ़ती हैं। इस तरह शोर के एक परेशानी या उलझन मात्र
नहीं है, ये स्पष्ट रूप से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण का समन या नियंत्रण आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, शोर के निर्धारित सतर। शोर के विभिन्न सतरों पर संपर्क के बारे में सुरक्षित समय सीमा का एक मानक रूप तय किया गया है। इस सुरक्षित समय से अधिक अगर एक वर्ष के तक निरंतर संपर्क हो तो बहरापन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, शोर पर नियंत्रण की तकनीकें। शोर को चार बुनियादी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। शोर पर नंबर एक, शोर में कमी करके, शोर के रास्ते को बंद करके। नंबर तीन, रास्ते की लंबाई बढ़ाकर। नंबर चार, ग्रहण करने को सुरक्षित बनाकर। सामान्यतः स्रोत पर ही शोर में कमी करना नियंत्रण की सबसे अच्छी विधि है। स्रोत पर कमी का सबसे कारगर तरीका वाहनों और मशीनों को ढकना है। उद्योगों में मशीनों के चारों ओर मजबूत बंद कमरे बनाकर और उनमें ध्वनि शोषक सामग्री परतें लगाकर शोर को कम किया जा सकता है। मशीनों और उनके कमरों का फर्श से संपर्क समाप्त करके उन्हें विशेष प्रकार के स्प्रिंगों या अवशेषकों पेड़ों पर रखकर और अंदर ही पाइपों के लिए लोचदार संयोजकों का प्रयोग करके भी स्रोत पर शोर में कमी की लाई जा सकती है। लेकिन मशीनों का नियंत्रण और भरपूर रख रखाव स्रोत पर शोर में कमी के बेहतरीन उपायों में एक है। निर्माण की समुचित योजनाओं और समय निर्धारण की तकनीकों के उपयोग से निर्माण स्थलों पर शोर को नियंत्रित किया जा सकता है। शोर करने वाले एयर कंडेंसरों और दूसरे उपकरणों को उन स्थानों से दूर लगाकर और साथ में शोर पर भौतिक रोक लगाने हेतु अस्थाई दीवारें बनाकर भी शोर को कम किया जा सकता है। किस किस तरह से हम शोर को कम कर सकते हैं? यातायात संबंधी और अधिकतर वाहनों के पहियों के सड़कों पर घिसाव और हवा के प्रतिरोध से पैदा होता है, लेकिन खराब रखरखाव वाले वाहन भी शोर बढ़ाते हैं। यातायात का घनत्व और गति भी ध्वनि के सतर पर सार्थक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए वाहन की गति को दुगना कर देने पर ध्वनि का सतर लगभग 9 डेसिबल बढ़ जाता है, और यातायात का घनत्व प्रति घंटा वाहनों की संख्या के दोगुना होने पर ध्वनि का सतर लगभग 3 डेसिबल बढ़ता है। यातायात के रुकों और जाओं वाले तरीके की अपेक्षा उसका सुचारू प्रभाव कम कर शोर पैदा करता है। यातायात का शोर कम करने के लिए सड़कों की योजनाओं और रूपरेखा सही ढंग की होनी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों से जाने वाली सड़क की गति को सीमा करना, यातायात का घनत्व सीमित रखना तथा ट्रकों के लिए वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था करना भी शोर नियंत्रण के कारगर उपाय हैं। राजमार्गों पर उधर्वरक और अवरोधक लगाकर भी यातायात के शोर का रास्ता बंद किया जा सकता है। शोर के रास्ते को रोकना और घरों के आसपास लगे पेड़ भी शोर के कारगर अवरोधक होते हैं। उद्योगों में अंदरूनी शोर कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवशेषक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। दीवारों, छतों और फर्श के लिए उच्च अवशेषक सामग्रियों का प्रयोग घरों में शोर का स्तर कम करता है। शोर के स्रोतों से दूरी बढ़ने पर भी ध्वनि का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। स्रोतों और ग्रहकर्तकों के बीच रास्ते के बीच लंबाई बढ़ाना नियंत्रण का एक कमजोर उपाय है। हवाई अड्डे रिहायशी इलाकों से दूर बनाए जाए नगरों के भूमि उपयोग संबंधी नियम इस बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कानों पर में प्लग और रुई आदि का प्रयोग ऊंचे शोर से व्यक्ति की रक्षा करता है। विशेष रूप से तैयार किए गए एयर मफ कान के पर्दे तक पहुंचने वाली ध्वनि के सतर में 40 डेसिबल तक की कमी कर सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग के बारे में कंपनी की हिदायतों के बावजूद शोर में कम करने वाले कर्मचारी अक्सर उन्हें नियंत्रित रूप से पहनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।